हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट स्टेप। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपकी तरफ। ठीक है, जेंडर रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से लें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से लें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। पीस माइंड से स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई स्टेप लेंगे, नेक्स्ट मूव क्या रहेगा उनका। प्लीज माय एडिशनल स्पीड गाइड मुझे बताइए, इस रिलेशनशिप के लिए मेरे व्यूवर के पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। प्लीज माय एडिशनल स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, इस रिलेशनशिप के लिए मेरे व्यूवर के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सोच रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है उनकी, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। टावर, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आप दोनों के बीच, उनको इस बात का पता है। ठीक है, नाइट ऑफ सोड, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं और अपनी हर चीज़ सोच रहे हैं, हर मिड पोजिशन में हैं। डीप एनालाइज, डीप थिंकिंग उनकी चल रही है। ठीक है, फाइव ऑफ सोड, आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई है किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी पॉइंट पे। 2 मंथ्स पहले, 3 मंथ्स पहले, 1 वीक पहले, 1 मंथ पहले कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं और आप भी कोल्ड हैं। आप भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोल्ड सिचुएशन में हैं। आपके पर्सन डीप एनालाइज कर रहे हैं, कॉन्टेम्प्लेट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहे। फूल, बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, स्टक हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड, एक इसको कामा वाटर की तरफ मूव करवाना चाहते हैं। नाइट ऑफ फैंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्लैरिटी मांगना भी चाहते हैं और देना भी चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल, वर्कआउट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि वो स्टक है, आप उनको फैमिली मटेरियल रखते हैं। टेन ऑफ सोर्ड भी है, कुछ ना कुछ एंडिंग तो हुई है, ज़रूर हुई है। थ्री ऑफ पेंटिकल, वर्क करना चाहते हैं आपके साथ दोबारा एक बार। जजमेंट, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि उनको एक दफ़ा सेकंड चांस मिले आपके साथ एक मूवमेंट करने का, वर्क करना चाहते हैं। चले हम क्लैरिफाई करते हैं क्या सोच रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। प्लीज माइंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, क्या सोच रहे हैं। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड। फोर ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टेम्प्लेट कर रहे हैं, डीप एनालाइज, हार्ट ब्रोकन है। थ्री ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है आपके पर्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनका दिल टूटा हुआ है। क्लैरिफाई डी टावर, प्लीज़ माइंड स्पीड गाइड, यहाँ पे डी टावर का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई डी टावर, मेरे व्यूवर के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। टेम्परेंस, बैलेंस करना चाहते हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं इस टावर सम सिचुएशन को, एक नो कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ गैदर करना चाहते हैं स्ट्रेंथ गैदर करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, एक टेक्स्ट करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक ये है, मैं बॉटम ऑफ द डेक लिया था उधर भी, तो इसलिए भी यहाँ लिया। यहाँ देखिए, बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन। क्लैरिफाई नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड मेरे व्यूवर के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। सेवन ऑफ पेंटिकल, किसी ना किसी फाइनेंसिस वे में किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, और बैलेंस लाना चाहते हैं, पहले भी था और अब भी है, इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। क्लैरिफाई दी हर्मिट, प्लीज़ माइंड साइंस प्रिंट करें, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई दी हर्मिट, ठीक है, वो सोच रहे हैं जिस रिलेशनशिप को वो अब वर्कआउट करना चाहते हैं, पास में उन्होंने इस रिलेशनशिप को रिजेक्ट किया है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं आपकी तरफ मूवमेंट के लिए। ठीक है, बिगनिंग कब करेंगे। फूल, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन कब तक करेंगे। क्लैरिफाई फूल, प्लीज माइंड सेंस स्पीड गाइड, नेक्स्ट मूव मेरे व्यूवर के पार्टनर का डेथ, उनको पता है डेथ हो चुकी है, एक रिबर्थ करना चाहते हैं। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड, एक काम वाटर की तरफ उसको पहुंचाना चाहते हैं, आपको रिलैक्स होने का ज़रूर वेट कर रहे हैं। क्लैरिफाई दी हैंगमैन। फाइव ऑफ सोर्ड, आपके और इनके बीच जो आर्ग्यूमेंट हुए उनके बारे में सोचे जा रहे हैं, सोच रहे हैं
उन सब चीज़ों से आगे कैसे बढ़ा जाए। आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि इन सब चीज़ों से आगे बढ़ा जा सकता है और आप भी बढ़ जाएं। जजमेंट यहाँ दो बार आया, आपके पर्सन डिवाइन से एक सेकेंड चांस मांग रहे हैं। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड ये ना, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ पेंटिकल, इसको पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। देखिए फोर एफ बॉटम ऑफ द डेक था, फोर ऑफ पेंट्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंट्स, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, किंग ऑफ पेंट्स एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंट्स, अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, आपके साथ एक मैरिज रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंट्स, प्लीज़ माइंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा सिंगल और स्टेबल पर्सन देखते हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप के लिए सब कुछ सोच रहे हैं, उनको ये सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। नाइट ऑफ सूट, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट, क्वीन ऑफ कप्स, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल और जेंटल देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, किसी भी चीज़ में आते हैं तो उसको प्रॉपर दिल से जान से निभाते हैं। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और वर्कआउट करना चाहते हैं जैसे आपने किया था। टेन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ कप्स, वेट, रिकन्साइलेशन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, एक न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं, जस्टिस आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, क्लैरिफाई टेन ऑफ सॉर्ड, प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताएं यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों है। टेन ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके पास इस रिलेशनशिप को ख़त्म हो जाने का। डी टावर दो दफ़ा आया, टेन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सॉर्ड, उनको ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप का टाइम चेंज हो चुका है, या आपके फेवर में वर्क कर रहा है, वो अब आपको चाहते हैं तब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं ये लोगों, ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा है डिवाइनली गाइडेड और फेटेड रिलेशनशिप है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ वेंट्स, आपके पर्सन को बस ऐसा लग रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपके पर्सन आपके लिए इमोशंस होल्ड करके बैठे हुए, आपको कोई ना कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट में ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और अपनी ही पावर में रहने वाला पर्सन जो बिल्कुल टस से मस नहीं होगा, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ एक मूव लेना, आपकी आपको कोई ना कोई ऑफर प्रोवाइड करना, वो एक प्रॉपर तरीके से इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं। आप कमिटमेंट मांगे तो आपको कमिटमेंट देंगे, आपको आपको कोई मैरिज चाहिए तो वो आपको मैरिज देंगे, आपको आपको फॉरगिवनेस चाहिए, फॉरगिवनेस आप चाहते हैं ये पर्सन मांगे तो आपसे फॉरगिवनेस आपको मनाएंगे, आपसे मांगेंगे। आपके पर्सन का जो नेक्स्ट मूव है इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करना, एक न्यू स्टार्ट लेना, आपके पर्सन खुद चाहते हैं, उन्होंने उन्होंने खुद से पूछा है कि मुझे क्या चाहिए। दी हर्मिट, जिसको तुमने एक रिजेक्शन दी थी वही पर्सन आज तुम्हें चाहिए, आपके पर्सन को खुद के हायर सेल्फ ने ये बात बताया है, डीप एनालाइज ने बताया है, एक हर्मिट पोजिशन में गए, उनके उनके एंसेस्टर ने उनको गाइड किया है, यूनिवर्स ने उनको गाइड किया, ये रिलेशनशिप तुम्हारा काउंटर पार्ट है, ये तुम्हारा फेटेड रिलेशनशिप है। देखें यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पे आया है, हमारे पास दी टावर का कार्ड, टावर उधर भी आया था, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जब जब इस रिलेशनशिप को नई इसको आप चॉइसेस में से चूज़ करोगे बार बार यहीं आके रुकोगे, चाहे तो चाहे एक वक्त में फाइनेंशियल और चीज़ों में से इस पर्सन को छोड़ के तुम फाइनेंशियल को कर लो, थर्ड पार्टी को चूज़ कर लो, फैमिली को चूज़ कर लो, लेकिन तुम्हें वापस आना यही है। यूनिवर्स ने आपके पर्सन को समझाया है, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इन एंड आउट आपको डिस्टर्ब करके रखा है, आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा था, बता रहे थे ये फेटेड है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप को आपने फील करा था इस पर्सन के साथ, आपने इसको समझाने की कोशिश भी की हो सकती है, लेकिन ये पर्सन आपको समझा नहीं, आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहा, वो समझता था आप यहीं आप कहाँ जा रहे हैं, और आप में इंटरेस्टेड था भी या नहीं था, उसको खुद सही से ये बात पता नहीं थी, उसको ऐसा लगता था आप उसके पीछे जाते हैं, आप उसको चेस करते हैं, आप उसको बिला वजह डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना, इस रिलेशनशिप में वर्क करना, रिकन्साइलेशन लाना, आपको मनाना, इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना, इक्वल बैलेंस करना, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपके पर्सन को अब वर्थ समझ में आ रही है आपकी इस रिलेशनशिप की, और आने वाले वक्त में रिलेशनशिप उनके लिए किस तरीके से वर्क कर सकता है, वो एक लक की तरह देखते हैं, आप कितने लकी हैं, ठीक है। आपके पर्सन टोटली मेंटली और हार्ट से रेडी हो रहे हैं नेक्स्ट मूव में, नेक्स्ट एक्शन में, आपकी तरफ एक स्टेप लेने के लिए, ठीक है।
और उनका ट्रांसफॉर्म होके खुद को हील करके रेडी होना ज़रूरी है। उनको बर्डन हो रहा है जब से आपका इस रिलेशनशिप का उनसे एक एंडिंग आई है, उनको समझ में आ रही है ये एंडिंग, ये डिटैचमेंट वो फील कर पा रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे। ठीक है, इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।